ये रहा मेरा स्कूटर, अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा गंदा है क्योंकि अभी रिसेंटली बारिश हुआ था, तो बारिश में मैंने चलाया था, उसकी वजह से कीचड़ वगैरह यहाँ पे हो रखा है। और पूरा रेडी हूँ अभी मोटो व्लॉगिंग सेटअप के साथ। साथ में ये बैग है, इस बैग के अंदर क्या है वो आगे मैं आप लोगों को रास्ते में बताता हूँ। वैसे आज कोई राइड वगैरह पे नहीं निकला हूँ, ठीक है, आज निकला हूँ एक प्रॉपर मोटो व्लॉग बनाने के लिए। अपना जो एंटॉर्क 125 सीसी है उसको थोड़ा मॉड करने के लिए निकला हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, पहले भी मैंने जो मेरा एंटॉर्क है उसको मॉड अप किया था, एंड उस वक्त एक काम रह गया था, दैट वाज जो मेरा मडगार्ड है फ्रंट का वो मैंने पूरा खोल दिया था, और जो दूसरा मडगार्ड था वो मैंने लगवाया नहीं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है अभी। दैट इज़ कि सामने का मडगार्ड नहीं है, और जब भी मैं ऐसे बारिश वगैरह में निकल रहा हूँ तो पूरा ऐसे कीचड़ उड़ के ऊपर तक आ जा रहा है, लाइक लिटरली यहाँ यहाँ तक आ जा रहा है। साथ ही साथ और भी दो तीन काम है तो वो भी करवाऊँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा। लाइक पूरा मतलब इसको ना ऐसे गियर अप करके रखेंगे, ऐसे मॉड अप करके रखेंगे ना, जो यूजुअल नॉर्मल जो एंटॉर्क 125 होता है उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखे। और इसको चलाते हुए काफ़ी साल हो चुका है अभी, तो उसकी वजह से थोड़ा डिफरेंट भी दिखना चाहिए। तो ये वाला जो ट्रक है ना, इस ट्रक की वजह से काफ़ी ज़्यादा भसड़ मच गया था यहाँ पे, लाइक पूरा जैम हो गया था ट्रैफिक, और गाड़ी आगे बढ़ नहीं रहा था, फिर आदमी लोगों ने इसको थोड़ा गाली दिया तो फिर ये आगे बढ़ा। लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि भाई पूजा में तुम घूमने गए थे तो पूजा का व्लॉग कब डालोगे, तो गाइस पूजा का व्लॉग इस बार नहीं आएगा क्योंकि मैं घूमने तो गया था और मैंने सोचा था कि व्लॉग भी करूँगा, बट व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि मैं निकला था अष्टमी और नवमी के दिन घूमने के लिए, बट दोनों दिन ही बारिश हुआ जिसकी वजह से मैं व्लॉग ही नहीं बना पाया। व्लॉग तो छोड़ो भाई, अच्छे से घूम ही नहीं पाया था। मैं भी खुद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था व्लॉग करने के लिए पूजा में, बट अब क्या कर सकते हैं भाई, बारिश का कुछ अलग ही प्लान था। ये माएस्ट्रो का जो मडगार्ड है इसको लगवाएंगे, अब वो कैसे लगेगा उसको जानने के लिए आप लोग बने रहो व्लॉग में। जब मैंने इसका मॉडिफिकेशन वीडियो डाला था तो उसमें कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे कि भाई 125 सीसी का स्कूटर है, इसमें इतना मॉड अप करवा के क्या फ़ायदा। उन लोगों को बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके लिए ये 125 सीसी का स्कूटर होगा, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये स्कूटर मीन करता है। जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों को पता है मैं कितना केयर करके रखता हूँ अपने चीज़ों का, अपनी चीज़ों का खैर छोड़ो, इसका मैं कितना ज़्यादा केयर करता हूँ बाकी लोगों को पता है। मैं इसको जल्दी किसी को चलाने देता ही नहीं हूँ, किसी का भी काम रहता है बोलता है भाई अपना स्कूटर दे दे, तो मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, मैं ही अपना स्कूटर लेके जाता हूँ उन लोगों के साथ। सो समझ रहे हो कितना प्यार करता हूँ इस चीज़ से, इस मशीन से मैं, और जितना हो सकेगा मैं इसको मॉड करके और इसका जो लुक है उसको फाइन करवाऊँगा, और जो नॉर्मल एंटॉर्क है उससे बेटर बना के रखने की कोशिश करूँगा, ताकि जहाँ भी ये जाए और जहाँ पे भी मैं इसको रखूँ तो लोग देखे भाई कि हाँ क्या चीज़ बना के रखा है इसके ओनर ने इस 125 सीसी के स्कूटर को। दोस्त लोग इतने, जब ज़रूरत पड़ता है उस वक्त नहीं आते हैं, ज़रूरत इन द सेंस अभी इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट मैंने सिद्धार्थ को कहा कि चल भाई चलते हैं, मेरे को वेलिंगटन जाना है और वहाँ जाके कुछ अपना स्कूटर में काम करवाना है, तो उसने बोल दिया कि भाई मेरे को नींद आ रहा है, मैं सोऊंगा, मैं नहीं जा सकता हूँ, वो सब बोल के उसने टाल दिया। अब बोलो इसमें तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा कि नहीं होगा? वैसे अकेले भी जा सकता हूँ, अगर कोई साथ में रहता है तो थोड़ा कॉन्टेंट भी मिल जाता है। खैर चलो इन सारी चीज़ों को रहने दो, अभी यहाँ से चलते हैं हम लोग वेलिंगटन, सीधा आप लोगों से वहीं पर मिलते हैं, और मेरे को वापस जल्दी से घर भी जाना है। जैसे कि आप लोग देख सकते अभी 3:41 हो रहा है, तो मेरे को 6 बजे तक घर जाना है क्योंकि मुझे और भी काम है, तो देख रहे हो टाइम मैनेजमेंट अपना, अभी यहाँ से जाते जाते 4 बज जाएगा, आई होप सो 2 घंटे में अपना काम हो जाए। तो चलो चलते हैं वेलिंगटन, और भी कुछ कुछ काम करवाने हैं मेरे को अपने स्कूटर में, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सीधा वेलिंगटन में ही जाके बताऊँगा। तो चलो चलते हैं वेलिंगटन में ही, आप लोगों से सीधा मिलते हैं। ऑलराइट, सो गाइस सीन अभी कुछ ऐसा है कि मैं बैठा हूँ रोड साइड पे, एक मैकेनिक अंकल है उनके दुकान पे, यहाँ आके मैंने एक दो काम करवा लिए, वो चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई क्योंकि बहुत हड़बड़ी में करवाना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी और मेरे पास टाइम भी कम है, तो इसीलिए मैंने जल्दी वो काम करवा लिया है। और अभी मैं आया हूँ मडगार्ड लगवाने के लिए, तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मडगार्ड का क्या सीन है। सो देख सकते हो यहाँ पे एक साइड का जो क्लैंप वगैरह है वो सब फिट कर दिया अभी अंकल ने, और जो
दूसरी साइड का क्लैंप है वो बिल्कुल भी फिट नहीं हुआ है, तो वो क्लैंप बनाने के लिए गए अंकल। प्लस देख सकते हो ये थोड़ा सा काम करवाया है मैंने साइड साइड पे, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मेरे को लगा था अच्छा लगेगा, बट दिस वन इज़ लुकिंग क्लीन एंड नाइस। और ये भी, तो मेरे बैग के अंदर ये भी था, ये एक मोबाइल होल्डर है, बट इसका सीन हो गया है, दैट इज़ कि मैंने सोचा था कि ये वाला मोबाइल होल्डर निकलवा के ये वाला मोबाइल होल्डर लगाऊंगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, स्कूटर में ये कहीं भी फिट नहीं होगा, देख लो। तो उसकी वजह से इसका हो गया पिक्चर, तो इसका कर देंगे हम लोग गिव अवे, जिसको भी चाहिए होगा बाइक के लिए भाई DM करो, उसको दे दूंगा ये फ्री में। 5 मिनट लेटर क्लैंप कुछ ऐसा दिखता है, ये जाएगा अभी यहाँ पे। अंकल बोल रहे हम लोग सब सीख जाएंगे तो अंकल का बिजनेस डाउन हो जाएगा, बट क्या करें, अब सीखना पड़ेगा। अगर खुल गया बाद में तो फिर हमको लगाना ही पड़ेगा ना। ये पट्टी जो है यहाँ पे ऐसे बैठ जाएगा और यहाँ से स्क्रू डाल के उसको फिर टाइट कर देंगे, बट इसका क्या होगा इसके बारे में मेरे को जानना है। ये पीछे में जो और एक चीज़ है उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, वरना फिर ये टकराएगा यहाँ पे। पहला क्लैंप तो बैठ चुका है कुछ इस तरीके से, दूसरा क्लैंप भी बैठ जाए एक बार तो यहाँ पे मडगार्ड का सीन शॉर्ट हो जाएगा। एक बार चेक करके देख लेंगे सब सस्पेंशन वगैरह कि मतलब जो मडगार्ड है वो क्या बोलते हैं इसको, विंगलेट से जो लगा हुआ है उससे टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब कुछ चेक करके देख लेंगे और फिर उसके बाद मडगार्ड का सीन शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो चलो एक बार ये हो जाए फिर आप लोगों से मिलते हैं। अभी ये ख़रीदा है मैंने प्रो टेपर का हैंडल बार ग्रिप, इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक सा लग रहा है, इसको लगाने के बाद कैसा लुक आता है। ऑलराइट सो गाइस, कल शाम को वेलिंगटन से निकलते निकलते काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, तो मैं प्रॉपरली दिखा नहीं पाया अपने स्कूटर को, इसीलिए आज दूसरे दिन सुबह को मैं आया हूँ यहाँ बाहर स्पेशली स्कूटर दिखाने के लिए, क्योंकि स्कूटर का लुक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। तो आप लोगों को एक बार मैं दिखा देता हूँ कि कल क्या क्या मॉड करवाया है अच्छे से, एंड फिर ब्लॉग को एंड कर देंगे। सो हियर इट इज़। पहले नोटिसेबल चीज़ आप लोग देख सकते हो स्कूटर में, दैट इज़ वो हैंडल बार का ग्रिप, और ये इंडिकेटर्स पे ये स्मोक क्या बोलते हैं इसको रैप करवाया है, और वो प्रो टेपर का हैंडल बार ग्रिप है। तो उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा नीचे, तो आप लोगों को दिखेगा ये नियॉन ग्रीन कलर का रैप, रैप कह लो स्टिकर कह लो एक ही चीज़ है। यहाँ पे भी बीक पे करवाया था, तो जो LED के ऊपर है मैंने इसीलिए करवाया था कि इसको थोड़ा आई सा लुक मिल पाए, बट ये अजीब लग रहा है मेरे को। आप लोग जरूर से कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है ये। और नीचे भी एक एजिस पे मैंने ये रैप करवाया है नियॉन ग्रीन का, दूसरे साइड में भी है यहाँ पे। और सबसे नीचे आ जाते तो ये है माएस्ट्रो का मडगार्ड, जिसको मैंने लगाया है एंटॉर्क पे। मडगार्ड सक्सेसफुली लग तो गया है, बट इस साइड पे देखो तो आप दो क्लीन क्लैंप्स लगे हैं, जिसकी वजह से लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा अगली नहीं लग रहा है। बट इस साइड पे देखोगे आप तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्लैंप लगा हुआ है, 3 क्लैंप लगा के इस मडगार्ड को फिक्स किया, जबकि इतना ज़्यादा क्लैंप नहीं लगना चाहिए था। तो छोड़ो जैसे भी है, अभी फ़िलहाल के लिए यही रहेगा, बाद में फ्यूचर में इसको ज़रूर से चेंज करवाऊंगा और क्लीन और थोड़ा फाइन लुक देने का कोशिश करूंगा। तो मडगार्ड अभी ऐसा लग रहा है। और एक चीज़ जो मैंने ख़रीदा था कल, दैट इज़ ये फुल ब्लैक ग्लॉसी हेलमेट, जिसका सिल्वर कलर का वाइज़र है और यहाँ पर एक स्क्रैच भी लग गया है छोटा सा। तो एनीवेज़ यही सारी चीज़ें मैंने कल जाके मॉड करवाई थी और ख़रीदा था वेलिंगटन से। उसके अलावा आप स्कूटर देख सकते हो एक बार, तो ओवरऑल कुछ ऐसा लुक आ रहा है स्कूटर का। ये जो ग्रीन हाईलाइट है थोड़ा सा रिफाइंड लुक दे रहा है अभी स्कूटर को, और साइडवेज में ऐसा दिख रहा है और फ्रंट से ऐसा दिख रहा है। मडगार्ड लगाने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मडगार्ड जब नहीं था तो कीचड़ वगैरह ज़्यादा उड़ रहा था, तो उसकी वजह से मडगार्ड लगाना पड़ा। प्लस ये मॉड जो है मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, तो उसकी वजह से। और साइड वेज से कुछ ऐसा दिख रहा है स्कूटर का लुक अभी। तो यही था छोटा सा एक मॉडिफिकेशन वीडियो अपने एंटॉर्क 125cc का। आई होप सो आप लोगों को पसंद आया, और नीचे ज़रूर से कमेंट करके बताना कि स्कूटर कैसा दिख रहा है भाई, जो नॉर्मल एंटॉर्क है उससे ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सो यही तक रखते हैं आज के इस ब्लॉग को, मिलते हैं आप लोगों से किसी और नए ब्लॉग में। टिल देन पीस आउट। एक लाल कलर का बटन होगा ऐसा सब्सक्राइब का, उसको ऐसे प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।